हर जगह, हर शहर, गली गली में पोजीशन ये है कि हर जगह अपना कोरोना फैल चुका है। हर परिवार में सभी सदस्य जो हैं उनके परिवार के जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक। और सरकार के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वो कुछ और चीज़ों से इसे रोक पाए, तो इसका विकल्प यही अब दिख रहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए और कुछ इस तरह का एसेंशियल आइटमों को छोड़ के बाकी आइटमें बंद हों, थोड़ा बाजार में आवाजाही कम हो। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि सभी की राय होनी चाहिए और मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरा भी परिवार है, तो मैं खुद भी सुरक्षित रहूँ और परिवार को भी सुरक्षित रखूँ, तो ये हर कोई चाहता है। और लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन तो ऐसा है कि लॉकडाउन मेरे को लगता है कि 15 दिन का या हफ्ते का लगाना सरकार के लिए ज़रूरी है ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सकें। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसका फिलहाल रोकने का एक ही तरीका है, ये जो कोविड की चेन चली हुई है इसको बंद करने का एक तरीका, बंद करवाने और करने का एक तरीका है, कुछ दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जिससे कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा सब लोग घरों में बैठे हैं, सभी को पता है कि इस बार कोरोना बहुत ही डेंजरस रूप में वापस आया हुआ है, तो इसलिए अगर लॉकडाउन लगता है तो हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे। नहीं, लगना तो चाहिए, क्योंकि व्यापार मंडल ने ये भी एक मुद्दा उठाया हुआ है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, इससे बीमारी बढ़ने का खतरा है। थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, कुछ टाइम घर पे रहेंगे, 15-20 दिन अगर घर पे रह सकें तो रहेंगे लोग, तो थोड़ा बीमारी पे कंट्रोल आएगा। हमीरपुर ही नहीं, सारी जगहों से, पूरे देश प्रदेश सारी जगहों से इस वक्त जो सबसे बड़ी ये वैश्विक महामारी के कारण डेथ रेट में वृद्धि हुई है, तो अपने लोगों की, अपने परिवारों की, सबकी भलाई के लिए हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से हमने अपील की है कि सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाए ताकि इसमें जो चेन है ये ब्रेक हो, कोरोना महामारी की जो ये जो इस वक्त मुझे लगता है कम्युनिटी स्प्रेड काइंड हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस पर अंकुश तभी लग पाएगा जब इसका हम लॉकडाउन लगा के लोग अपने आइसोलेशन में रहेंगे और ज़रूरी वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो कुछ समय के लिए 2-3 घंटे के लिए उनको खोला जाए ताकि जो कोई सामान लेने वाले लोग हैं, ज़रूरी जिनको जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका उनको लेने के लिए उनको 2-3 घंटे का समय दिया जाए। तो ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अपने स्तर पे लॉकडाउन लगाए और हम लोगों को, हमारे परिवारों को और बाकी सब लोगों को राहत प्रदान करे। सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो व्यापार मंडल की तरफ से क्या रहेगा? देखिए, व्यापार मंडल हमेशा पहले भी, आप भी, आगे भी सरकार के साथ ही चला है, सरकार के साथ ही चलेगा, क्योंकि हमारा काम है, हम एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं, तो हम ना सरकार को ना लोगों को, अपने लोगों को हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको सर्विसेज अपनी नहीं देंगे। हम इस मुश्किल वक्त में भी सरकार के साथ खड़े हैं और हर जगह से हमें ये संदेश आ रहा है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाने में देरी करती है तो आप लॉकडाउन का ऐलान करिए और हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, पर हम अभी सरकार का वेट कर रहे हैं कि सरकार अपना, कल मुझे लगता है 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें कोई ऐसा स्टेप ना लेना पड़े, सरकार ही अपने स्तर पे लॉकडाउन लगाए, बेशक कम दिनों का लगाए पर लगाए जरूर ताकि ये चेन ब्रेक हो और हम सब लोगों को राहत प्रदान हो। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।